Shut up and sit down. बाल मजदूरी पर निबंध प्रस्तावना। बाल मजदूरी एक बच्चे के बचपन के सबसे भयावह दिन होते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी मकड़ी के जाल की तरह बाल श्रम छोटे छोटे बच्चों को अपने जाल में जकड़ता जा रहा है और हम सब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। बाल श्रम एक ऐसा जहर है जो कि चंद रुपयों के लिए बेच दिया जाता है। यह जहर धीरे धीरे बच्चे के बचपन को तबाह कर देता है। इसके साथ ही देश का नवनिर्माण करने वाला भविष्य भी खत्म हो जाता है। हमारे भारत में बच्चों को भगवान स्वरूप माना जाता है, लेकिन उन्हीं से उनका बचपन छीन लिया जाता है और हाथों में परिवार की जिम्मेदारियां थमा दी जाती है। सभी बच्चों का मन बचपन में खिलौनों से खेलने और शिक्षा प्राप्त करने का होता है, लेकिन क्या करें साहब, कहीं लालच तो कहीं परिवार की जिम्मेदारियां सामने आ जाती है। बाल श्रम क्या है? भारत के संविधान 1950 के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी, कारखानों, होटलों, ढाबों, घरेलू नौकर इत्यादि के रूप में कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान है। लेकिन किताबी दुनिया से बाहर आकर देखें तो हमें हर दुकान, हर मोड़ पर बाल मजदूरी करते हुए बच्चे देखने को मिलते हैं। हकीकत तो यह है कि लोग कानून की परवाह ही नहीं करते। इसी कारण दिन प्रतिदिन बाल श्रम बढ़ता ही जा रहा है। 2017 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में बाल मजदूरी होती है। बाल श्रम के कारण। एक, शिक्षा की कमी। बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण शिक्षा की कमी होना ही है, क्योंकि जब तक लोग पढ़े लिखे हुए नहीं होंगे तब तक वो यही मानते रहेंगे कि पैसों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसलिए वे लोग अपने बच्चों को बचपन से ही मजदूरी के काम में लगा देते हैं। दो, गरीबी। हमारे देश के लिए गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। बाल श्रम भी गरीबी के कारण ही उत्पन्न हुई एक समस्या है, क्योंकि गरीब परिवार के लोग अपने परिवार का सही सही भरण पोषण नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने बच्चों को भी मजदूरी के काम में झोंक देते हैं। तीन, अनाथ बच्चे। हमारे देश में आज भी कई लोग अपने बच्चों को या तो छोड़ देते हैं या फिर उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो अनाथ हो जाते हैं और वह ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि उन्हें खाने का लालच देकर पूरे दिन भर उनसे कारखानों, होटलों, ढाबों पर कार्य करवाते हैं और उनकी कमाई भी खुद रख लेते हैं। चार, लालची लोग। आज 21वीं सदी के भारत में कुछ माता पिता और अभिभावक पैसों के लिए इतने लालची होते हैं कि वो पैसों के लिए अपने बच्चों को भी मजदूरी के कार्य में लगा देते हैं। पांच, पारिवारिक मजबूरियां। कई बार बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसके कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता है, इसलिए उन्हें मजबूरीवश बचपन में ही होटलों, ढाबों, चाय की दुकान, कल कारखानों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। छह, जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जरूरत की वस्तुओं का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी करने दे देते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी बच्चों को परिश्रम करना पड़ता है। सात, भ्रष्टाचार। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है, तभी तो बड़े बड़े होटलों, ढाबों और कारखानों पर उनके मालिक बिना किसी भय के बच्चों को मजदूरी पर रख देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तो हम घूस देकर छूट जाएंगे, इसलिए भ्रष्टाचार बाल मजदूरी में एक अहम भूमिका निभाता है। आठ, बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई गरीब लोग अपने परिवार की जीवन जीने योग्य जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मजबूरन वे अपने बच्चों को मजदूरी के काम में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी पैसा घर में आता है तो वह दो वक्त का भोजन कर पाएंगे। नौ, उचित नियम कानून का ना होना। भारत सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों में काफी खामियां हैं। इसका फायदा उठाकर लोग बाल श्रम को अंजाम देते हैं
और कई बार तो कानून का नियम पूर्वक पालन भी नहीं किया जाता है। बाल श्रम के दुष्परिणाम। एक, बचपन बर्बाद होना। जीवन का सबसे अच्छा पल बचपन ही होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। हम खिलौनों से खेलते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। साथ ही हम जो चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बाल मजदूरी के काम में लगा दिया जाता है वह कभी भी खेल नहीं पाते हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बचपन मजदूरी काम करने में बीत जाता है। दो, कुपोषण। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मालिक उनसे काम तो ज्यादा करवाते हैं लेकिन उन्हें खाने का कुछ भी नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वे धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तीन, शारीरिक शोषण। बाल मजदूरी करते समय कई बच्चे और बच्चियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है, जो कि उनके ऊपर दोहरी मार है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल मजदूरी करने वाले बच्चों में से लगभग 40% बच्चों का शारीरिक शोषण किया जाता है। यह बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। शारीरिक शोषण के समय कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। चार, मानसिक प्रताड़ना। मजदूरी करते समय बच्चों से अक्सर गलतियां होती रहती है। गलतियां तो बड़े लोगों से भी होती है, लेकिन बच्चों को डांट लगाना आसान होता है, इसलिए उनसे काम कराने वाले उनके मालिक उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं। उन्हें तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके बुलाया जाता है, जो कि एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इसी के कारण काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और बड़े होने पर गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। पांच, गरीबी बढ़ना। बच्चों के माता पिता बचपन में तो कुछ रुपयों के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर वे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएंगी और उन्हें पूरी जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी, जिसके कारण उनका पूरा जीवन गरीबी में बीतेगा। इसलिए भारत में दिन प्रतिदिन गरीबी ही बढ़ती जा रही है। छह, देश की आर्थिक विकास कमी। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते हैं और देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए देश का आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। सात, सामाजिक विकास में कमी। जहां पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है वहां के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे भी उन्हीं के साथ रहने के कारण उनकी भाषा और उन्हीं के जैसे रहन सहन करने लग जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाता है। बाल श्रम रोकथाम के उपाय। एक, जागरूकता। बाल श्रम को अगर रोकना है तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब तक लोगों में यह जागरूकता नहीं आएगी बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए और जो भी बच्चे मजदूरी कर रहे हैं उनके मालिकों के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि वे जिस छोटू मोटू को प्यार से बुला रहे हैं वो असल में बाल मजदूरी का शिकार है। इसलिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही बच्चे मजदूरी करते रहेंगे। दो, उचित शिक्षा व्यवस्था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज भी सुधरी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों और पिछड़े हुए इलाकों के बच्चे आज भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह बचपन में ही बाल मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें उचित शिक्षा व्यवस्था सभी स्थानों पर उपलब्ध करवानी होगी और छोटे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तीन, उचित कानून व्यवस्था। हमारे देश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण लोग इसका फायदा उठाते हैं और बाल श्रम जैसे कृत्यों को अंजाम देते हैं। हमें हमारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, तभी जाकर हम बाल श्रम जैसी भयंकर परेशानियों से निपट पाएंगे। चार, भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्टाचार के कारण बाल श्रम करवाने वाले अपराधी आसानी से छूट जाते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है, जिसके कारण छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। पांच, अच्छे और उदार व्यक्तियों की आवश्यकता। हमारे समाज में बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें और अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि कम से कम एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सके, क्योंकि जब तक हम हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमें आगे बढ़कर गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करनी चाहिए। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्य। नंबर वन,
द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। 2. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act of 2000। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों से मजदूरी करवाता है या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उस पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। 3. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009। यह कानून वर्ष 2009 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब और विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। उपसंहार। बाल मजदूरी हमारे भारत देश और हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बन चुका है। अगर जल्दी इसे खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे देश की तरक्की में बाधक होगा। साथ ही जिन बच्चों को बचपन में हंसना खेलना और पढ़ाई करना चाहिए वह बच्चे हमें अधिक मात्रा में कठिन परिश्रम करते हुए मिलेंगे, जिससे हमारा देश का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हमें आज ही बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जहां पर भी कोई बच्चा हमें बाल मजदूरी करते हुए मिले उसकी शिकायत हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए।